फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो आपको इस वीडियो में बात बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़रूरी बात है। तो दोस्तों, विंटर आ चुकी है, तो विंटर में पानी का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो दोस्तों, हमेशा हीटर लगा के रखने से बिजली की बिल भी बहुत आती है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है और बहुत ही कामयाब ट्रिक है। जैसे कि दोस्तों, विंटर में आपको फ़िल्टर तो ज़रूर चलाना पड़ेगा। फ़िल्टर चलाते हैं तो उसे पानी साफ़ होता है, अगर नहीं चलाएंगे तो पानी ख़राब हो जाएगा, तो आपको विंटर में पानी चेंज करने की भी बहुत दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, जब हम फ़िल्टर चलाते हैं तो फ़िल्टर जो एयर सक करता है उसमें एयर बबल बहुत होता है और फ़िल्टर पानी को ठंडा करता है। जी हाँ दोस्तों, फ़िल्टर भी पानी को ठंडा करता है। तो दोस्तों, आपने एक सिर्फ छोटा सा ट्रिक करना है, ये 5 रुपये का ट्रिक है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने एक्यूरियम के शॉप पे जाना है और वहाँ से एयर कंट्रोलर मांगना है। एयर कंट्रोलर लेना है, वो 5 रुपये का कुछ होगा, 5 रुपये का होता है वो लेना है। और उसको ले आके अपने जहाँ पर से आपका फ़िल्टर का एयर सक्शन पाइप है उसमें लगा देना है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एयर कंट्रोलर किस टाइप का होता है और उसको हम कैसे लगाएं। दोस्तों, ये है एयर कंट्रोलर, ये इस टाइप का होता है, ये इसमें थ्रेड बनी हुई है, इसके दोनों साइड, एक साइड पाइप चढ़ जाएगी, ठीक है, दूसरी साइड से सक्शन हो जाएगा। और इसको अंदर की ओर जिस तरह घुमा के अंदर की ओर करते हैं, मतलब इसकी चौड़ी कम करते हैं, तो इससे एयर कम हो जाता है। एयर कम होगा तो दोस्तों आपका पानी ठंडा नहीं होगा, और फिश को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो आपको एयर तो प्रॉपर देते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, बस इसको लगा देना है और एयर को कंट्रोल कर देना है। गर्मी में जितना ज़्यादा था उसको कम कर देना है, इसको थ्रेड के हिसाब से। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह किया है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस तरह लगा रखा है, ये मेरा फिल्टर का पाइप है, फिल्टर का एयर सक्शन पाइप है, इसको मैंने इस साइड से लगा दिया है और इसकी जोड़ी इस तरह टाइट कर दी है। मैंने सिर्फ 2 थ्रेड ही छोड़ी है बाहर की ओर, इससे एयर का जो सक्शन है वो कम हो जाता है और एयर भी मिलती रहती है, पानी में एयर भी चलता रहता है और फिल्टर भी चलता रहता है, उससे पानी बहुत ही कम ठंडा होता है। देखिए दोस्तों, मेरा अभी हीटर भी चल रहा है, एक्यूरियम का हीटर भी चल रहा है और मेरा फिल्टर भी चल रहा है। तो फिल्टर में देखिए दोस्तों, बहुत ही कम बबल्स बन रहे हैं, इससे मेरा जो पानी का टेम्परेचर है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, पानी मेरा जल्दी ठंडा नहीं होगा और फिल्टर अपना नॉर्मली काम करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एयर प्रेशर बढ़ा के दिखाता हूँ और कम करके दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जो थ्रेड है वो सारी बाहर निकाल दी है, इसको लूज़ कर दिया है। तो दोस्तों, आप देखिएगा, आपको एक्यूरियम के जो फिल्टर है इसमें आपको दिखेगा, देखो कितना ज़्यादा बबल बन रहा है, ये फिश आ गई थी आगे, बहुत ज़्यादा बबल बन रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा ना, जो ठंडी हवा बाहर से सक करता है और पानी में घुलती जाती है, तो पानी आपका बहुत ठंडा होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी थ्रेड को हम टाइट कर देंगे। टाइट करके दिखाता हूँ दोस्तों, मैं टाइट करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको, इस तरह टाइट होती है, ये इस तरह टाइट होती है। थोड़ा टाइट होगी दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ जो एक्यूरियम के अंदर फिल्टर का प्रेशर कम हो गया होगा। देखिए दोस्तों, 1 मिनट आगे फिश है, देखो दोस्तों एयर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, अभी भी ज़्यादा है तो थोड़ा सा और कम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एयर का जो प्रेशर है वो कम कर दिया है, ये आगे फिश आ गई थी, ऊपर से दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अब प्रेशर कम हो गया है, इससे पानी में ऑक्सीजन भी घुलती रहेगी, मिलती रहेगी पानी को, और मच्छियों को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और मेरा पानी भी ठंडा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, एक्वेरियम में हीटर लगाने के बावजूद भी मैंने ये बात नोट की थी कि पानी पूरा दिन पूरी रात हीटर लगा दिए हैं तब भी टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आया है, मतलब 28 से 32 के बीच में नहीं आया है। तो
मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि जो हम फिल्टर चला के रखते हैं तो उससे भी विंटर में पानी ठंडा होता है। तो दोस्तों आपको एक और काम करना पड़ेगा, इस तरह का थर्मामीटर आता है, ये भी एक्यूरियम के शॉप से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन महंगा मिलता है और एक्यूरियम के शॉप पे ये 50 रुपये का मिलता है। इस पर इस तरह रेड कलर की लाइन बनी होगी, तो ग्रीन पे हमारा देखो पहुंचा हुआ है, तो ग्रीन का मतलब है हमारा पानी का टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, अगर नीचे आ जाए तो फिर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली बार आपको कुछ और नई जानकारी देंगे। और दोस्तों इस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टाइम पे अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।